कर ली थी कि ये चलता कैसे है रिएक्ट, ना पीछे क्या कहानी चल रही है इसके रिएक्ट की। अच्छा तो ये व्हाट इज रिएक्ट हमने पूरा कर लिया था। व्हाट शुड यू नो बिफोर लर्निंग रिएक्ट, कह रहा है कि भाई प्रीरिक्विजिट बोरिंग है थोड़ा, लेकिन क्या है बर्दाश्त करना पड़ता है अभी। तो कह रहे हैं HTML और JavaScript आपको आनी चाहिए, वो तो आपको आती है, ठीक है। अच्छा कह रहा है कि रिएक्ट जो है ना वो बनी हुई है JavaScript के ऊपर टोटली, तो कोई ऐसी उसके अंदर बात नहीं है, वो पूरा JavaScript ही है सर में, ठीक है। आपको लग रहा होता है कि ये कुछ और है, लेकिन वो है JavaScript। कह रहे हैं कि जो लॉर्ड्स ऑफ, ये जो सवाल पूछे हुए ना लोगों ने ज़्यादातर इंटरनेट पे कि हाउ टू डू डैश इन रिएक्ट, वो कह रहा है वो असल में रिएक्ट के सवाल ही नहीं है, वो है सारे JavaScript के सवाल, क्योंकि रिएक्ट तो लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी की कोई अपनी ज़ुबान थोड़ी होती है भाई। ये पता है ना सब लोगों को फ़र्क कि फ्रेमवर्क और लाइब्रेरी में क्या फ़र्क होता है। यूनिवर्सिटीज़ में आमतौर पे एक डेफिनेशन बताते हैं। यहाँ पे कितने लोग ऐसे हैं जो यूनिवर्सिटीज़ के हैं, यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ रहे हैं या पास आउट हो चुके हैं? अच्छा कितने लोग आप में से ऐसे हैं जिन जो दो तीन सेमेस्टर हो चुके हैं जिनके, या पास आउट हैं? अच्छा बाकी सब लोग फर्स्ट सेमेस्टर के हैं, फर्स्ट सेकेंड में। अच्छा तो वो ना एक डेफिनेशन बताते हैं कि लाइब्रेरी जो होती है वो क्या होती है, बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, उनको आप कॉल करते हैं, दैट्स इट। तो उन फंक्शंस को कॉल करने में कोई उनकी अपनी लैंग्वेज थोड़ी होती है, लेकिन फ्रेमवर्क की लैंग्वेज अपनी होती है। फ्रेमवर्क पे जब आप काम करते हैं तो आप फिर फ्रेमवर्क की लैंग्वेज में बताते हैं कोड सारा, ठीक है। तो रिएक्ट तो लाइब्रेरी है, फ्रेमवर्क है ही, तो रिएक्ट के अंदर कोई भी रिएक्ट स्पेसिफिक कोड नहीं है, सब जावास्क्रिप्ट है, ठीक है। एक इनकी लैंग्वेज है JSX, लेकिन वो बिल्कुल HTML की तरह है, वो तो पहले ही आपको आती है। अच्छा तो अब हम हेलो वर्ल्ड बनाते हैं जल्दी से। अच्छा हेलो वर्ल्ड मैं आपको बना के दिखाता हूँ, सही है, फिर आप सब लोग वैसे ही बनाइएगा जल्दी से हेलो वर्ल्ड। कैसे करना है हमें, लेट्स गेट हेलो वर्ल्ड ऑन द स्क्रीन एंड देन वी विल टॉक अबाउट व्हाट द कोड इज डूइंग। कह रहे हैं कि पहले एक काम करते हैं, स्टेप बाय स्टेप ना हेलो वर्ल्ड बना के तैयार कर लेते हैं, फिर हम देखेंगे कि कौन सा लाइन ऑफ कोड ना क्या काम कर रहा है। अच्छा तो क्या करना है, नंबर एक स्टार्ट अ ब्लैंक प्रोजेक्ट ऑन कोड सैंडबॉक्स। ये क्लिक किया मैंने तो क्या हो गया, कोड सैंडबॉक्स का एक नया प्रोजेक्ट जो है वो बन के यहाँ पे आ गया, ठीक हो गया बिल्कुल। अच्छा नंबर टू द प्रोजेक्ट विल हैव app.js फाइल ओपन। कह रहे हैं प्रोजेक्ट जब बनेगा ना तो इसमें app.js के नाम की ना एक फाइल उसमें पहले से खुली हुई होगी। क्लोज दैट फाइल, वी डोंट नीड इट, यू कैन इवन डिलीट इट। कह रहे हैं कि उसको आप बंद कर दें उस फाइल को और डिलीट कर दें, तो आ जाते हैं ये काम कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा गौर से इसको देखिएगा स्क्रीन पे मैं क्या कर रहा हूँ, इसको मैंने कर दिया बंद इस जगह पे क्लिक करके, ठीक है। अच्छा ये लो जूम कर दिया। अच्छा ये app.js की फाइल ना खुली हुई है, मैंने इस फाइल को ये क्रॉस देख रहे हो, ये क्रॉस जो बना हुआ है ये मैंने डिलीट कर दी। ये पूछ रहा है डिलीट, मैंने कहा हाँ, आसान था, मुश्किल तो नहीं था। अच्छा अब देखते हैं, हाँ नॉट मॉड्यूल नहीं आता है इसके अंदर, बस नहीं आता ना, उन्होंने क्लाउड एडिटर है ना ये। अच्छा ये हमने डिलीट कर दिया नंबर दो स्टेप। स्टेप नंबर थ्री index.js की फाइल को सेलेक्ट कर ले, आ जाते हैं सेलेक्ट करते हैं। अच्छा ये देख रहे हो अब यहाँ पे एक फाइल रह गई index.js, इस पर मैंने ये क्लिक कर दिया। एक बार क्लिक करते ही ये फाइल ना ये देखो ये ओपन हो गई, यहाँ पे ये फाइल ओपन हुई भी है। अच्छा अब आते हैं अगला स्टेप, स्टेप नंबर फोर होल्ड योर ब्रेथ। अच्छा होल्ड योर, ये सांस रोकने की जरूरत नहीं है उसके बगैर भी काम होगा। कह रहा है डिलीट द एंटायर कॉन्टेंट ऑफ index.js, ठीक है। इसको कोई पता चले ज़्यादा लिटरली कि भाई सांस रोके बगैर शायद ये, तो ये बगैर सांस रोके भी डिलीट हो जाएगा। तो मैंने इसको सेलेक्ट किया ऑल और डिलीट, index.js के अंदर जो भी कुछ मौजूद था उस सबको डिलीट कर दिया। अच्छा अब क्या अगला स्टेप है, पांच नंबर स्टेप, ये जो सारा कोड है ना ये कह रहे हैं इसको आप हाथ से टाइप कर दें, कॉपी करके पेस्ट नहीं करना है, ठीक है। आ जाते हैं रिएक्ट, रिएक्ट डॉम दोनों को इम्पोर्ट किया। अच्छा इसको ना मैं ये छोटा बड़ा भी कर सकता हूँ यहाँ से ना, ये क्या चीज़,
ये है ना, ये पहला लिंक जो है स्टेप नंबर वन में है ना, गो हेयर, इससे खुला है ये, ठीक है। ये पांचवा स्टेप आपको ऐसे ही करने हैं जैसे यहाँ लिखे हैं। अच्छा, यहाँ पे आके मैंने क्या किया, इम्पोर्ट, ठीक है, रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट, सही है, ये एक लाइन का कोड हो गया। इसको इस तरफ से भी थोड़ा छोटा कर देता हूँ, ठीक है, ये मैंने एक कोड को कॉपी कर दिया। अच्छा, अब आते हैं दूसरा, इम्पोर्ट रिएक्ट डॉम फ्रॉम रिएक्ट डैश डॉम, सही है, दो लाइन कर दी मैंने। अब ये बाकी का कोड भी मैंने यहाँ पे, अच्छा मैं तो टाइम सेव करने के लिए पेस्ट कर दिया मैंने, लेकिन आप सब लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप सब लोग क्या करेंगे इसको, अच्छा ये बटन प्रेस करने से ना ये साइड वाला पेन ओपन क्लोज होता है, सही है, ये बटन है, ये बटन प्रेस करने से साइड वाला पेन क्या होता है, ओपन और क्लोज होता है, तो मैंने साइड वाला पेन क्लोज कर दिया, उसकी हमें ज़रूरत नहीं है क्योंकि अपना। अच्छा, तो मैंने सारा का सारा कोड जैसे ही यहाँ पे कॉपी किया, कॉपी नहीं किया, आप लोगों को हाथ से देख के लिखना है, तो यहाँ पे सामने हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ आ गया। जितने भी लोग अब यहाँ पे बैठे हुए हैं, सारे लोग, ये आर्टिकल का लिंक आपके पास मौजूद है, ठीक है, इसके पांच स्टेप को फॉलो करके ये वाला हेलो वर्ल्ड अभी चला लें। जैसे ही चल जाए सबका, तो आप क्या करेंगे, ये जो लिंक है ना ऊपर, ये जो ऊपर लिंक आ रहा है URL, ये आप भेजेंगे air.sysborg पे, सबमिट करवाएंगे, सही है। अच्छा, तो पहले ये हेलो वर्ल्ड इतना चला लें और मुझे बताएं, फिर उसके बाद हम आगे का देखते हैं क्या करना है। चले शुरू हो जाए सब लोग। अच्छा जी, सब लोगों ने बना लिया, वेल डन यार, बहुत सारे लिंक्स आ गए मेरे पास, सब लोगों ने बना लिया, वेल डन, जबरदस्त। अच्छा, अब हम जरा देख लेते हैं कि ये चक्कर क्या है, ये हो क्या रहा है, स्क्रीन नहीं शेयर हुई, दोबारा कर देता हूँ शेयर। अच्छा, तो सबसे पहली जो दो लाइनें हैं वो है इंपोर्ट, एट द टॉप there are two import statements, these pull in React and React DOM libraries. अच्छा, जब तक हम HTML पढ़ रहे थे, plain JavaScript की application बना रहे थे, उसमें library को कैसे हम लगाते थे अपने पास, Axios की library use की है तुम लोगों ने, library कौन सी use की है, Bootstrap, कैसे लगाते थे उसको, उसका CDN लगाते थे, ठीक है, लिंक का एक URL होता था, उस लिंक करके होता था, वैसे लगाता था, दैट इज कॉल्ड CDN अप्रोच, ठीक है। यहाँ पे CDN नहीं लगेगा, यहाँ पे ऐसे करके इम्पोर्ट होता है, और ये है बिल्कुल न्यू वाली ES6, ठीक है, उसके अंदर ये होता है। अच्छा, कह रहा है कि विथ मॉडर्न ES6 JavaScript विच इज मोस्ट रिएक्ट कोड यू विल सी, लाइब्रेरीज आर नॉट ग्लोबली अवेलेबल। उसमें क्या होता था, एक बार CDN लगा दिया, हर जगह मिलती थी वो लाइब्रेरी, आपको मसला ही नहीं होता था कोई, तो कह रहा है इसमें ग्लोबली नहीं होगा, इसमें हर फाइल में जो जो लगाओगे वही आएगा, उसके अलावा नहीं आएगा। अच्छा, दे नीड टू बी इम्पोर्टेड, आपको इम्पोर्ट करना ही होगा, दिस इज अ चेंज इफ यू आर यूज टू स्क्रिप्ट टैग एंड द डेट ऑफ jQuery। कह रहा है कि अगर आप स्क्रिप्ट का टैग लगा के यूज करते रहे ना लाइब्रेरीज को, तो अब यहाँ पे ऐसा नहीं होगा, ये पुरानी बात हो गई। फॉर इंस्टेंस, सी द रिएक्ट डॉम डॉट रेंडर एट द बॉटम ऑफ द एग्जाम्पल, इंस्टेड ऑफ रीडिंग के ये कहाँ से, जैसे कोड के लास्ट में ना कह रहे हैं रिएक्ट डॉम डॉट रेंडर लिखा हुआ है, रिएक्ट डॉम, अब आपको पता नहीं चलता ये रिएक्ट डॉम कहाँ से आ रहा है, जैसे बूटस्ट्रैप लगा लिया, बूटस्ट्रैप में बीच में क्लास लगा रहे हो, आपको पता ही नहीं चलता ये क्लास आ कहाँ से रही है, समटाइम फॉन्ट ऑसम भी लगाया हुआ है, बूटस्ट्रैप भी लगाया हुआ है, तो दोनों की क्लासेस साथ साथ मिल रही होती हैं, आपको नहीं पता होता कि मतलब मैं अगर फॉन्ट ऑसम हटाऊंगा तो कौन सी चीज़ चलना बंद हो जाएगी, आपको लग रहा होता है पता नहीं शायद बूटस्ट्रैप की होती है फॉन्ट ऑसम की, ठीक है, तो ऐसे मल्टीपल लाइब्रेरीज ऐसे एक साथ मिक्स हो जाती हैं। तो कह रहा है कि यहाँ पे रिएक्ट डॉम जो लिखा हुआ है ना, ये आपको क्लियरली पता है कि कहाँ से आ रहा है, ये ऊपर इम्पोर्ट हुआ है, यहाँ से आ रहा है, ठीक है।
अच्छा, अब उसके बाद है हाई का कंपोनेंट, ठीक है। हाई कंपोनेंट अगला जो कोड है दैट इज अ प्लेन जावास्क्रिप्ट फंक्शन, ठीक है। कह रहा है राइट अंडर द इम्पोर्ट्स इज अ फंक्शन कॉल्ड हाई, दिस इज रियली ट्रूली जस्ट अ प्लेन जावास्क्रिप्ट फंक्शन। कह रहे कि ये जावास्क्रिप्ट का फंक्शन है, कोई नई बात नहीं है, कोई रिएक्ट स्पेसिफिक चीज नहीं है, वही जावास्क्रिप्ट है जो पहले आप पढ़ चुके हैं। इन फैक्ट एवरीथिंग इन दिस फाइल अप टू एंड इंक्लूडिंग द वर्ड रिटर्न इज अ प्लेन जावास्क्रिप्ट सिंटैक्स। कह रहे कि इस फाइल में ना ये जो पूरा जो लिखा हुआ है शुरू से आखिर तक, इसमें कोई भी चीज रिएक्ट की नहीं है, ये है जावास्क्रिप्ट सारी की सारी, इसमें कोई रिएक्ट स्पेसिफिक चीज नहीं है, सब जावास्क्रिप्ट है जो आप पहले ही पढ़ चुके हैं। अच्छा, कैसे है भाई, हाई कंपोनेंट में वापस आ गया मैं। कह रहा है कि ये एक प्लेन फंक्शन है, व्हाट मेक्स दिस फंक्शन अ कंपोनेंट, कि इसको हम कंपोनेंट बोल क्यों रहे हैं, ये तो फंक्शन है। रिटर्न समथिंग दैट इज दैट रिएक्ट कैन रेंडर, ये फंक्शन एक ऐसी चीज रिटर्न करता है जिसको रिएक्ट क्या कर सकता है, स्क्रीन पे दिखा सकता है, इसलिए इसको हम क्या बोल रहे हैं, कंपोनेंट है ये। अच्छा, कह रहे हैं कि ये जो बात लिखी हुई है ना ऐसे डिव में हेलो वर्ल्ड इज अ सिंटैक्स कॉल्ड जेएसएक्स, ये ऐसा लग रहा है ना एचटीएमएल लिखा हुआ है, लेकिन ये एचटीएमएल नहीं है, ये जेएसएक्स है, ठीक है। अच्छा, एंड इट लुक्स एंड वर्क्स अ लॉट लाइक एचटीएमएल, रिएक्ट कॉल्स द फंक्शन गेट द जेएसएक्स एंड रेंडर द इक्विवेलेंट एचटीएमएल टू द डॉम। कह रहे हैं कि ये फंक्शन ना हम कभी भी कॉल नहीं करते, हम रिएक्ट को हैंड ओवर कर देते हैं कि यार ये लो फंक्शन, आप करो जो करना है। रिएक्ट उस फंक्शन को लेता है, उसको कॉल करता है, जब जाहिर है फंक्शन जब कॉल होता है तो रिटर्न वैल्यू मिल जाती है उसको। फंक्शन जब भी फंक्शन कॉल होता है तो वो क्या रिटर्न करता है, जो भी रिटर्न वैल्यू वो रिटर्न कर देता है, ठीक है। तो और उसको क्या करता है, गेट्स द जेएसएक्स, रिटर्न वैल्यू में जेएसएक्स मिलती है, एंड रेंडर द इक्विवेलेंट एचटीएमएल टू द डॉम, ठीक है। ये जेएसएक्स स्क्रीन पे डायरेक्ट रेंडर नहीं होती है, इसके इक्विवेलेंट एचटीएमएल रेंडर होता है, ठीक है। तो ये जेएसएक्स है, ये कभी भी डायरेक्ट स्क्रीन पे रेंडर नहीं होगी, ठीक है। इसको क्या किया जाएगा, इसको कन्वर्ट किया जाएगा किसमें, डॉम के मेथड्स में, याद है डॉम के मेथड्स, डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट चाइल्ड, डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट डॉक्यूमेंट, क्या क्रिएट एलिमेंट, क्रिएट नॉड, टेक्स्ट नॉड, वो उसमें कन्वर्ट इसको किया जाएगा। अच्छा, कैसे होगा वो, नोटिस हाउ जेएसएक्स इज नॉट अ स्ट्रिंग। कह रहा है ये जेएसएक्स ना स्ट्रिंग नहीं है, ये अगर स्ट्रिंग होता तो डबल कोटेशन होता है इसके आसपास, लेकिन आप देखें इसमें कोई डबल कोटेशन नहीं लगा हुआ, इट मीन्स ये स्ट्रिंग नहीं है। अच्छा, React is not turning these things directly into a string either. कह रहे React भी इसको क्या करेगा, string में convert नहीं करेगा। क्या करेगा React? Before React runs, there is an extra step the code goes through that converts JSX into function calls. कह रहे कि ये जो JSX है ना, इसको क्या बना दिया जाएगा? इसको बना दिया जाएगा React dot create element. याद आ रहा है DOM? ऐसी होता है उसमें क्रिएट, लेकिन वो डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट होता था, ये रिएक्ट डॉट क्रिएट एलिमेंट है, मतलब ये डायरेक्ट उस डॉम को इस्तेमाल नहीं कर रहा, इनका खुद का एक डॉम है, रिएक्ट वालों का एक खुद का डॉम है, अपना बनाया हुआ इन्होंने, और इनका मानना है कि वो तेज़ है उस ओरिजिनल वाले से, ऐसा इनका मानना है। अच्छा, इस तरह इसको क्या बोलते हैं ये लोग, बोलते हैं वर्चुअल डॉम है, ठीक है। और रिएक्ट वालों का ऐसा क्लेम है कि वो उस वाले से इम्प्रूवड है, स्पीड पता नहीं क्या मंजन बेचते हैं बाहर। तो React dot create element करने से क्या होगा, वर्चुअल डॉम पे React का अपना जो डॉम है उस पे एक एलिमेंट क्रिएट हो जाएगा div, और उसके अंदर टेक्स्ट लिखा हुआ जाएगा हेलो वर्ल्ड, और ये वर्चुअल डॉम जो है ना इसको बाद में क्या करेगा, ये बाद में एक्चुअल डॉम जो है HTML का एक किसी पॉइंट पे वो उसमें छाप देगा उसको, ठीक है। दिस ऑल हैपन्स बिहाइंड द सीन, ये चीज़ें कहाँ पर हो रही हैं बिहाइंड, आपको समझने की ज़रूरत नहीं है, आपको करना कुछ नहीं है, ये सब बिहाइंड द सीन ऑटोमेटिकली हो रहा है, खुद हो रहा है। बेबल इज द टूल दैट डज द ट्रांसफॉर्मेशन, कह रहा है बेबल नाम का एक होता है
वो करता है ट्रांसफॉर्मेशन, लेकिन बेबल से हमें कोई लेना देना है नहीं, वो पीछे चल रहा है, खुद ही चल रहा है, हमें उसको चलाना नहीं पड़ता। अच्छा, कह रहा है एक वेब पैक नाम की भी चीज़ है, वो भी पीछे चल रही है बैकग्राउंड में, उससे भी आपको कोई लेना देना नहीं है, वो खुद ही चलता है पीछे वो। अच्छा, द फैक्ट दैट इट इज नॉट अ स्ट्रिंग माइट सीम लाइक एन अनइम्पॉर्टेंट डिटेल। कह रहा है कि आप जैसे मैंने बोला ना शुरू में कि स्ट्रिंग नहीं है, ये स्ट्रिंग होता तो डबल कोटेशन लगा हुआ था। कह रहा है ये ऐसे लगता है कि कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, बट एक्चुअली इट इज़ प्रेटी कूल। यू कैन इंसर्ट अ बिट ऑफ जावास्क्रिप्ट कोड इनसाइड द JSX सिंटैक्स। कह रहा है कि क्योंकि ये स्ट्रिंग नहीं है, इसके बीच में ना आप जावास्क्रिप्ट का कोड, क्योंकि ये जावास्क्रिप्ट है, जावास्क्रिप्ट के बीच में जावास्क्रिप्ट लिखी जा सकती है, एंड रिएक्ट विल रन देम डायनेमिकली। कह रहा है रिएक्ट क्या करेगा, जो आपने जावास्क्रिप्ट लिखी उसको भी साथ साथ चलाएगा, HTML के बीच में जावास्क्रिप्ट, चल भाई मज़ा आ गया, ठीक है, वी विल सी दैट इन अ मिनट। कह रहा थोड़ी देर में देखते हैं कैसे करते हैं वो। आखिरी जो लाइन है इसकी, दैट इज रेंडरिंग, द लास्ट लाइन इज व्हाट मेक्स इट ऑल वर्क, इट इंस्ट्रक्ट रिएक्ट टू कॉल द हाई फंक्शन, गेट द JSX एंड इंसर्ट द कॉरेस्पॉन्डिंग HTML। अब आप नोट करें ये जो हाई है ना, ये हमने इसको दे दिया रिएक्ट को, ठीक है, ये रिएक्ट को हमने दे दिया, और असूलन तो होना ये चाहिए था कि मैं इसको कॉल कर देता ना, लेकिन मैंने इसको कॉल नहीं किया, गौर करो कि कॉल नहीं हुआ, इसको जो है ना मैंने ऐसे ही दिया, मैंने कहा ये लो ऐसे ही। अच्छा, साथ में खूबसूरती के लिए मैंने इसको टैग भी लगा दिया, ठीक है, खूबसूरती के लिए मैंने क्या किया, टैग्स भी लगा दिए, ठीक है। अच्छा, और मैंने कहा रिएक्ट डॉम, ये और वो वाला डॉम नहीं है, ये HTML वाला रिएक्ट डॉम, रिएक्ट डॉम के ऊपर रेंडर हो रहा है, ये असली डॉम पे रेंडर नहीं हो रहा अभी, रिएक्ट डॉम के ऊपर रेंडर हो रहा है, और इसने बोला ये जो हाई का कंपोनेंट है ना, इसको रेंडर करना है, तो क्या करेगा, रिएक्ट इसको कॉल करेगा, इसमें से JSX निकालेगा, और JSX निकाल के उसको क्या करेगा, वर्चुअल डॉम पे उसको रेंडर करेगा। अच्छा, और फिर वो वर्चुअल डॉम में जो भी बनेगा ना, वो आखिर में किस पे चला जाएगा, ये मैंने एक आईडी उठा के इसको दे दी कि भाई इधर रखवा देना इसको रूट के नाम से, ठीक है। अभी रूट कहाँ पे होता है, ये डिव एक बना हुआ होता है कोने में ना, एक ही डिव होता है, वो बना हुआ होता है उसके अंदर, ये सारी उसको जाके ना उसमें छाप देता है एक्चुअल डॉम में। कह रहा है कि बेबल इसको बना देगा कुछ ऐसा, ये ना रिएक्ट डॉट रेंडर है ना, इसमें जो हाई दिया हुआ है, ये हाई ये ऐसे होगा रिएक्ट डॉट क्रिएट एलिमेंट हाई, ऐसे करके बनेगा ये। तो ये असल में ये जो चीज़ है ये जावास्क्रिप्ट में कन्वर्ट हो जाती है, इसमें कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो जावास्क्रिप्ट ना हो, ये रिएक्ट की फंक्शन है, ये कॉल हो रहा है सिंपली, सही है। अब ये जो पूरी बात आपसे की गई है, इसमें आपको ये दो बातें समझने की ज़रूरत है, दिस कोड इज़ अ प्योर जावास्क्रिप्ट, इसमें कोई जावास्क्रिप्ट के अलावा दूसरी चीज़ नहीं है। एट द एंड ऑफ द डे अ फैंसी JSX सिंटैक्स टर्न्स इनटू रेगुलर जावास्क्रिप्ट। कह रहा है वो ऐसे देखने में खूबसूरती के लिए लगाए हुए ना टैग साथ में, वो ऐसे ही लगाए हुए बिला वजह, असल में वो एट द एंड ऑफ द डे क्या होता है, वो एक रेगुलर सिंपल जावास्क्रिप्ट में कन्वर्ट होता है, क्योंकि जब तक वो जावास्क्रिप्ट में कन्वर्ट नहीं होगा वो चल ही नहीं सकता। हम शुरू में ये भी हमने देख लिया था कि HTML भी डायरेक्ट नहीं रन हो सकती, HTML भी जावास्क्रिप्ट में कन्वर्ट होती है फिर रन होती है। यू माइट हैव सीन पीपल रेफर रिएक्ट एज जस्ट जावास्क्रिप्ट बिफोर, दिस इज व्हाट दे मीन। कह रहे हैं कि आप हो सकता है आपने किसी को बोलते हुए सुना हो कि भाई रिएक्ट तो सिर्फ जावास्क्रिप्ट है और कुछ नहीं है, तो ये आपको समझ में आ गया वो क्यों कह रहे थे। आउटसाइड ऑफ JSX सिंटैक्स देयर इज नॉट मच रिएक्ट स्पेसिफिक कोड इन द रिएक्ट ऐप। कह रहे हैं रिएक्ट की ऐप में रिएक्ट स्पेसिफिक कोड ही कोई नहीं है, है ही सारी जावास्क्रिप्ट, ठीक है। JSX सिर्फ उनकी एक लैंग्वेज है, वो बिल्कुल HTML की तरह, वो थोड़ा हम देखते रहेंगे वक्त के साथ साथ। दिस इज ग्रेट बिकॉज इट मीन्स देयर इज नो मैजिक, लर्निंग रिएक्ट इज मोर अबाउट लर्निंग न्यू वेज टू सॉल्व प्रॉब्लम देन इट इज अबाउट सिंटैक्स। कह रहे हैं रिएक्ट सीखने का मतलब क्या है, जावास्क्रिप्ट ही मजीद सीख रहे हैं आप, रिएक्ट नहीं सीख रहे आप, ये जावास्क्रिप्ट ही आप मजीद आगे सीख रहे हैं। डोंट कॉल योर ओन कंपोनेंट, रिएक्ट डज। कह रहे हैं आप अपने कंपोनेंट, कंपोनेंट फंक्शन है क्योंकि, आप कभी भी उसको कॉल नहीं करेंगे, उसको रिएक्ट कॉल करेगा, आपको उसको कॉल करने की जरूरत नहीं है। नोटिस हाउ वी आर पासिंग हाई फंक्शन इट्सेल्फ ऑल्सो नोन एज रेफरेंस टू डैट फंक्शन, यानी उस फंक्शन का नाम हम दे देते हैं कि यार ये लो फंक्शन आपका हो गया अभी। अच्छा, वी आर नॉट कॉलिंग हाई, अगर कॉल करते ना तो कॉल सिग्नेचर होता, ये इसको कहते हैं कॉल सिग्नेचर,
कॉल सिग्नेचर तो नहीं है, मतलब कॉल नहीं कर रहे हो, ठीक है, वी आर जस्ट पासिंग इट. रिएक्ट विल डिसाइड कि उसको कब और कैसे कॉल करना है, वी विल नॉट डिसाइड, योर टर्न. अच्छा, इतनी बात सब लोगों को समझ में आ गई कि कैसे हो रहा है. दिस आइडिया दैट रिएक्ट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉलिंग योर कंपोनेंट मीन्स दैट इट इज एबल टू रन सम स्टेप बिफोर योर कोड एंड आफ्टर योर कोड. कह रहे हैं कि ये जो आइडिया है ना, हम अपना कंपोनेंट उसको दे देते हैं रिएक्ट को, तो इसका मतलब क्या है, वो रिएक्ट ना असल में पहले आपका कोड डायरेक्ट नहीं चलाता, पहले चलाता है बेबल वेब पैक, फिर आपका कोड चलाता है, फिर उसके बाद भी कुछ एक दो चीज़ें चलाता है. भाइयों खामोशी. तो आपके कोड से पहले भी वो एक दो काम करता है जो आपको पता नहीं चलता, बिहाइंड द सीन हो रहा है सारा, ठीक है. अच्छा, योर टर्न. अप नाउ दैट यू हैव अ प्रोजेक्ट इन प्लेस, यू कैन प्ले अराउंड, थोड़ा उससे खेल के देखते हैं ना कैसे लगता है, अच्छा लगता है कि नहीं लगता. मेक श्योर टू एक्चुअली ट्राई दीज एक्सरसाइजेस इवन इफ दे सीम रियली सिंपल, इवन इफ यू आर 99% श्योर यू नो हाउ टू डू दैट. कह रहे हैं कि ये आपको लग रहा होगा कि ये तो बिल्कुल छोटी छोटी सी बातें हैं, ये तो कोई मसला ही नहीं है, लेकिन आप फिर भी ये करें बावजूद इसके कि आपको एग्जैक्टली पता है कि अच्छा यार ये ऐसे करूँगा तो हो जाएगा, लेकिन करके देखना है आपको. अच्छा क्या है भाई, प्रूव इट टू योर सेल्फ बाई टाइपिंग इट आउट. चेंज द टेक्स्ट टू हेलो वर्ल्ड टू से हेलो और आगे आपका नाम. अभी हेलो वर्ल्ड आता है ना लिखा हुआ, कह रहे हेलो और अपना नाम लिख दो उसके आगे. बोल्ड योर नेम बाई रैपिंग इट स्ट्रॉन्ग टैग, इट वर्क जस्ट लाइक HTML. HTML में करते थे ना, कोई भी बात है उसके साइड पर स्ट्रॉन्ग लगा दिया. अच्छा, इन साइड द डिव एंड अंडर योर नेम एड सम एलिमेंट्स, हेडिंग, ऑर्डर एंड अनऑर्डर्ड लिस्ट, गेट अ फील हाउ इट वर्क्स, हाउ डज इट हैंडल द वाइड स्पेसेस, व्हाट हैपेंस इफ यू फॉरगेट टू क्लोज अ टैग. ये सारी चीज़ें आपको एग्जैक्टली इसी तरह करनी है, ठीक है. अच्छा, इसको अच्छा, I mentioned that you can put real JavaScript inside JSX, try out inside the div, insert a JavaScript expression surrounded by single braces. कह रहे हैं कि आप ना JSX के बीच में ना ऐसे करके लिखोगे ना आप ये ऐसे, तो वो प्रिंट क्या करेगा, वो प्रिंट करेगा 5 + 10 = 15, वो 15 प्रिंट करेगा क्योंकि ये JavaScript को एग्जीक्यूट कर देगा वो, ठीक है. Want to style with CSS? कह रहे हैं अभी तक आपने जो कंपोनेंट बनाया है एक हेलो वर्ल्ड का, उसको क्या CSS के जरिए आप स्टाइल करना चाहते हैं, इंस्टेड ऑफ यूजिंग क्लास प्रॉपर्टी लाइक यू वुड इन HTML, यूज क्लास नेम. अब क्योंकि ये HTML तो है नहीं, देखने में HTML के जैसी है लेकिन HTML नहीं है, तो इसमें क्लास नहीं लिखेंगे आप, CSS की जो क्लास लगाते हैं क्लास नेम लिखेंगे आप ऐसे करके कैमल केस में, और उसके इक्वल्स टू करके आप क्या देंगे, जो भी आपकी क्लास है, ठीक है. अच्छा, CSS की फाइल कैसे लगाते थे उसमें आप, लिंक style.css की फाइल बनाई और लिंक करके उसमें आपने लगा दिया अपने पेज पे. कह रहे हैं इसके अंदर आपको क्या करना पड़ेगा, कह रहे हैं आप बनाएंगे एक फाइल ऐसे src के फोल्डर में ना, index.css या कोई भी नाम रख सकते हैं फाइल का, ठीक है, विद द स्टाइल्स, पूरा css की प्रॉपर फाइल होगी, एंड एड द लाइन इम्पोर्ट और फाइल का नाम एट द टॉप ऑफ योर index.js फाइल. कह रहे हैं कि अब लिंक से नहीं लगेगा, अब इम्पोर्ट से लगेगा, क्योंकि ये कौन सी JavaScript है, ये नई वाली JavaScript है, इसलिए इसमें इम्पोर्ट होगा, इसमें लिंक विंक CDN काम नहीं करते, वो पुरानी बात हो गई अब. अच्छा, यू कैन इम्पोर्ट CSS फाइल इन JavaScript फाइल. कह रहे हैं कि अब आपको जैसे लाइब्रेरी लगाते थे ना किसी की इम्पोर्ट करके, तो खुद की भी फाइल अगर आपने बनाई है तो वो भी इम्पोर्ट करके लगेगी. That's Webpack working behind the scene. अच्छा, अब ये वाली जो JavaScript है ना, ये बिल्कुल न्यू है, ये Google Chrome पे सपोर्टेड नहीं है, ये इम्पोर्ट ना, ये Google Chrome पे सपोर्टेड नहीं है अभी, ये बिल्कुल न्यू है अभी. अच्छा, किसी भी ब्राउज़र पे सपोर्टेड नहीं है ये, तो ये चल कैसे रही है, ये चल ऐसे रही है कि Webpack क्या करता है, इसको कन्वर्ट कर देता है बिहाइंड द सीन ना, इसको कन्वर्ट कर देता है, तो आपको फिर टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं कि क्या चीज़ सपोर्टेड है नहीं है, वो पीछे देख लेगा खुद ही. वो हम लिखेंगे बिल्कुल न्यू वाली जावास्क्रिप्ट, और किस ब्राउज़र में चलती है नहीं चलती है वो सारा मसला वो रिएक्ट का, ठीक है. वैसे आप इम्पोर्ट लिखेंगे ना नॉर्मल जावास्क्रिप्ट, वो आप चले गई
गूगल क्रोम बोलेगा कि इम्पोर्ट किया है भाई, ये तो मुझे पता ही नहीं है, ठीक है। तो ये पीछे वेब पैक कुछ करता है, ऐसा जादू चलाता है कि जिसकी वजह से ये कोड आपका बिल्कुल सही चल जाता है। तो ये सारा जो है ना, ये योर टर्न वाला, वही अभी जो आपने बनाया हैलो वर्ल्ड, उसी में ना ये सारे काम करके जैसे हो जाए ना आपका, तो फिर आप मुझे बताएं, फिर आपको एक घर से भी असाइनमेंट दिया जाएगा। सही है, शुरू हो जाए सब लोग। ये मैं स्क्रीन पे लगा भी देता हूँ, ऐसे ये आ रहा है, सही है, ऐसे स्क्रीन पे आ रहा है, ये यहाँ से भी देख सकते हैं, आर्टिकल अपने कंप्यूटर पर खुद भी खोल सकते हैं। हाँ तो भाइयों मज़ा आ रहा है, रिएक्ट सीख गए हो थोड़ी थोड़ी अब। अच्छा देख लेते हैं यार लिंक सब लोगों का, ये लिंक सब लोगों ने भेज दिए ना यहाँ पे। अच्छा एक का किसी एक दो का खोल के देख लेते हैं हम। अरे ये तो अभी भेजना शुरू किया तुम लोगों ने दोबारा। सही है यार, अच्छा बना लिया। ये क्या, ये तो एरर आ रहा है इसके अंदर। चलो दूसरे का देखते हैं। वाह यार क्या बात है, ये किसका है ये वाला? तुम्हारा? गुड यार, बहुत अच्छा बना लिया आपने तो। एक दो लोगों का यार, इन्होंने भी अच्छा बनाया, गुड यार। वेल्डन यार, जबरदस्त। ओवर भी लगाया था तुमने, अभी देख लेता हूँ। किस पे लगाया ओवर? इसके बाद जो खोला था वो वाले में। इस पे हाँ सही है यार, ये CSS से लगाया ओवर, गुड यार, अच्छा बनाया सब लोगों ने। अच्छा तो भाइयों अब आप लोगों का असाइनमेंट घर से क्या है? आपका असाइनमेंट घर से ये है कि शुरू में बिल्कुल CV आप लोगों ने बनाई होगी सब लोगों ने, सही है, वो CV आपने अब रिएक्ट में बनानी है, और कोड को कॉपी करके पेस्ट करोगे नहीं चलेगा, ये मैं पहले ही बता दे रहा हूँ। सही है, ये इस क्लास में इससे पहले जब पढ़ा था अपने ये हो चुका है। कॉपी करके पेस्ट करोगे नहीं चलेगा, क्योंकि इसमें होता है क्लास नेम, उसमें है क्लास, छोटी छोटी इस तरह की ना चीज़ें चेंज है उसमें, ठीक है। स्टाइलिंग उसमें इन लाइन लगी हुई होगी, इन लाइन स्टाइलिंग इसमें पेस्ट करोगे नहीं चलेगा, ठीक है। CSS की फाइल में स्टाइलिंग करनी होगी, तो इस तरह की छोटी छोटी चेंजेस है, क्योंकि ये देखने में HTML के जैसा है लेकिन असल में HTML ये नहीं है, ये है JSX, ठीक है। ये रिएक्ट के बिल्ट इन कंपोनेंट्स हैं, पहले से बने हुए हैं। तो आपका असाइनमेंट क्या हुआ, इसके ऊपर जो अभी आपने छोटा सा लिखा है ना अभी, इसके ऊपर आपने अपनी CV बना के लानी है, उसमें आपकी फ़ोटो एक लगी हुई हो छोटी सी, ठीक है। अच्छा आपका उसमें नाम लिखा हुआ हो, थोड़ी आपका बायोडेटा, एजुकेशन वगैरह, जो 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 CV में आपने जो भी बनाया था एग्जैक्टली वही आपने इसके ऊपर बनाना है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में जब हम आएंगे तो हम ये देखेंगे कि उस छोटी सी जो बनी हुई एप्लीकेशन है ना, अभी तो हमने बनाया कोड सैंडबॉक्स में, इसको अपने कंप्यूटर में कैसे बनाना है, और अपने कंप्यूटर में बनाने के बाद इसको होस्ट कैसे करना है। सिंपल HTML की फाइल तो हम नेटलीफाई पे होस्ट कर चुके हैं सब लोग, ठीक है, या सर्च पे या गिटहब पेजेस पे कहीं ना कहीं आपने होस्ट किया हुआ है उसको, ठीक है। रिएक्ट की एप्लीकेशन को अपने कंप्यूटर पे कैसे बनाते हैं और फिर उसको होस्ट कैसे करते हैं और उसको गिटहब में पुश कैसे करते हैं, तो ये सारी चीज़ें हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि जो मैं आपको असाइनमेंट दे रहा हूँ ये आप बना के लेकर आएँ। अगर आप असाइनमेंट बना के नहीं लाएंगे तो मैं आपको आगे नहीं पढ़ाऊँगा, आप बैठ के यहाँ पे वो असाइनमेंट करेंगे पहले, फिर हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है जी। इंशाल्लाह फिर मुलाकात रहेगी अगली क्लास में। अल्लाह हाफ़िज़।